सब्सक्राइब कीजिए टेक्निका राकेश यूट्यूब चैनल को और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निका राकेश में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अगर आप टिकटॉकर हैं और आपका ज़्यादा व्यू नहीं आ पा रहा, आपका वीडियो ऊपर नहीं जा पा रहा, रैंक नहीं कर पा रहा, तो क्या गलती है आप करते हैं कि आपका वीडियो रैंक नहीं कर पा रहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गलती कोई टिकटॉकर करता है जो उनका अकाउंट जो एक बैग रुक जाता है, वीडियो वायरल नहीं हो पाता। स्टार्टिंग के वीडियो खूब वायरल होते हैं, बीच में अकाउंट क्या होता है कि रुक जाता है, वीडियो वायरल नहीं हो पाता है। तो चलिए इस बारे में आप बात करेंगे आपसे, लेकिन बात करने से पहले बता दें, अगर आप एक नए टिकटॉकर हैं तो सबसे ज़रूरी बात आपको क्या है? आपको सबसे ज़रूरी बात है कि आप वीडियो बनाते रहें। ये मत सोचें कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइक नहीं आ रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो, ये सब बात अगर सोचोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है आप ये सब ना सोचें और वीडियो बनाएं। बस वीडियो कंटेंट अपना देखें, वीडियो पर ध्यान दें कि हाँ कैसा कंटेंट मैं बना रहा हूँ, अच्छा है, बुरा है, कैसा लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, आपको ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा ज़्यादा लाइक नहीं आ रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, ये सोचोगे तो आप फिर ऊपर नहीं जा पाओगे और आपका वीडियो भी ज़्यादा वायरल नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कोई भी टिकटॉकर को कि इसका जो अगर अकाउंट को वीडियो वायरल होना रुक जाता है तो क्यों रुकता है। तो मेनली वो तीन गलती करते हैं जिससे उनका वीडियो रुक जाता है। तो जो पहला गलती है वो ये करते हैं कि वो अपने वीडियो को जब भी बनाते हैं तो या तो वो कुछ ऐसा कंटेंट बना देते हैं जिससे टिकटॉक के गाइडलाइंस के खिलाफ होती है। जी हाँ, मतलब कि कुछ ऐसा बना दिया, हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा ही हरकत चलती है टिकटॉक पे, बहुत ऐसे हैं जो पहले टीम 07 के स्टार थे मिस्टर फैजो, जो अभी भी स्टार है, लेकिन उनका आईडी कुछ महीनों के लिए बैन हो गया था। किस कारण? ये ऐसे ही कुछ वॉयलेंस वाले वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी थी जिसके कारण उन पर केस कर दिया गया था और उनका आईडी बैन हो गया था। तो वैसा कुछ नहीं करना, आप वीडियो बनाए तो कुछ ऐसा बनाए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले या कुछ इंटरेस्टिंग आए, कुछ देखने में अच्छा लगे। ये नहीं कि कुछ बना दिए जिससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे में बैर फैले, मतलब कि एक दूसरे में घृणा फैले, ये वो सिख ईसाई पे, हिंदू मुस्लिम पे, ये सब आपको नहीं करना है। जो भी वीडियो आप बनाए वो गाइडलाइंस के खिलाफ बनाए, खिलाफ नहीं, गाइडलाइंस के होते हुए बनाए। खिलाफ बनाएंगे तो आपका जो वीडियो वो तो रोक दिया जाएगा, इसके बाद आपका जो अकाउंट है उसे भी डिलीट कर दिया जाएगा टिकटॉक से। तो पहला ये गलती करते हैं। तो दूसरा मिस्टेक क्या होता है, जब भी कोई टिकटॉकर वीडियो डालता है तो वो क्या, मतलब कि वीडियो डालने के कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उसको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कर दिया, ऐसा एक्टिंग नहीं करना चाहिए था, ये वो, और वो वीडियो डिलीट कर देता है। तो रेगुलर अगर आप वीडियो डालते हैं और वैसे ही आप रेगुलर डिलीट करते हैं, मतलब कि आज 5 वीडियो अपलोड किया, कल आपने उसमें से 3 वीडियो डिलीट कर दी, तो टिकटॉक जो है वो सोचता है कि ये कैसा बंदा है जो वीडियो बनाता है उसके बाद ये डिलीट कर देता है। तो उनको ये लगता है कि ये जो बंदा है ये ज़्यादा मतलब टिकटॉक पे ध्यान नहीं देता है, इसको टिकटॉक पसंद नहीं है, ये टाइम पास करता है, कभी कभी बस वीडियो अपलोड करता है, डिलीट करता है, और ये कुछ टिकटॉक को मजाक समझता है। तो इसके कारण जो टिकटॉक जो है उसका अकाउंट का जो आईडी है, जो वीडियो, वो थोड़ा रोक देता है, ज़्यादा वायरल नहीं हो पाता और ज़्यादा व्यू नहीं आ पाता है। जो थर्ड मिस्टेक करते हैं टिकटॉकर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, पता है आपको क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई टिकटॉकर अपना वीडियो अपलोड किया, अपलोड करते ही उन जो टिकटॉकर वो सोचते हैं मेरा वीडियो वायरल हो जाए, इसलिए वो गलत गलत तरीका अपनाते हैं। तो बहुत मतलब कि ये करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं जिससे उनका वीडियो वायरल तो नहीं होता और उसका अकाउंट भी डिलीट हो जाता है। वीडियो वायरल तो होगा ही नहीं अगर गलत तरीके आप अपनाओगे तो, अब वापस आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करें, जो भी सही तरीका है आप वीडियो बनाएं, अपलोड करें, टिकटॉक आपको खुद आगे भेजेगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं इतना। अगर आपका कंटेंट में दम है, आपके वीडियो में दम है, तो टिकटॉक का जो बंदा है वो खुद आपको आगे भेजेगा, आपका वीडियो ऊपर जाएगा और ज़्यादा व्यू आएगा, वायरल भी होगा। लेकिन आप लोग गलत तरीके आजमाते हैं जिसके कारण आपका वीडियो वायरल तो हो नहीं पाता, ऊपर से आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाता है। तो ये तीन गलती आप भूल के भी कभी टिकटॉक पे ना करें। तो चलिए वीडियो वायरल करने का ट्रिक भी आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ। तो वीडियो वायरल करने का जो ट्रिक है, वो पहला ट्रिक, सबसे खास ट्रिक ये है कि आप वीडियो बनाओ। जी हाँ,
कोई ऐसा ट्रिक नहीं आता जिससे टिकटॉक पे आपका वीडियो वायरल हो जाए। आप बिना सोचे वीडियो बनाओ, दिमाग में एक बात रखो सिर्फ कि हाँ मैं मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे पेश करना है टिकटॉक। मैं भी एक क्रिएटर हूँ जो टिकटॉक को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ रेगुलर। तो अगर रेगुलर वीडियो आप बनाओगे और उसके बाद टिकटॉक देखता है कि हाँ ये बंदे में कुछ तो दम है जो ये इतने दिनों से टिकटॉक पे लगा हुआ है, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहा है, तो चलो इसको ऊपर भेजते हैं, ये टिकटॉक वालों सोचते हैं और आपको जो वीडियो उसको ऊपर भेजा जाता है। तो कभी भी हार ना माने और वीडियो अपलोड करते रहे, आपका वीडियो ऊपर जाएगा। बुरा ना इतना अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है तो डिमोटिवेट आपको नहीं होना, आपको हार नहीं मानना है। सबसे बड़ा ट्रिक यही है वीडियो वायरल करने का कि आप वीडियो अपलोड करते रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए ऐसे ही कोई अमेजिंग ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।